हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्यूके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, जिसमें बिहार पुलिस में टोटल पोस्ट की संख्या अगर बता दें, वैकेंसी की संख्या बता दें, टोटल 21,391 पोस्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं बिहार पुलिस में कितने वैकेंसी, कितने टोटल पोस्ट आए हैं, इसके फी स्ट्रक्चर कितने हैं, इसके एज कितना है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, फिर इसके बाद इसका इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी सैलरी कितने रहने वाले हैं और इसके फिजिकल कितने होने वाले हैं फ्रेंड्स, हर एक को डिटेल से हम लोग अभी समझेंगे फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक कोटेशन के साथ इस वैकेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, सुनिएगा कि हो गया आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जो लगातार पसीना बहाएगा फ्रेंड्स उसी को ये वैकेंसी, इस वैकेंसी में एक पोस्ट मिलेगा फ्रेंड्स। इसीलिए जम के अभी से ही आप लोग एक पोस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए कि एक पोस्ट आपका हो, उसमें से इस 21,391 पोस्ट में से एक पोस्ट आपका ही हो, इस तरीके से तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स बता दें टोटल पोस्ट की संख्या टोटल 21,391 है, बिहार पुलिस टोटल पोस्ट की संख्या देख रहे हैं, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए इस तरीके से डिजाइन इसको किया गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बिहार पुलिस में टोटल पोस्ट की संख्या 21,391 है। अप्लाई डेट की बात करें तो फ्रेंड्स 20 जून से 20 जुलाई तक, याद रखिएगा 20 जून से 20 जुलाई तक ही इसका अप्लाई डेट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए ₹675, फिर से सुनिएगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए ओनली ₹675 लगने वाला है और एससी एसटी के लिए फ्रेंड्स ₹180 ही ओनली। फ्रेंड्स एज लिमिटेशन की बात करें तो एज लिमिटेशन 1 अगस्त 2022 तक इसका एज लिमिटेशन माना गया है फ्रेंड्स, एज ऑन 1 अगस्त 2022 तक इसका एज इसके क्राइटेरिया के अनुसार फुलफिल हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। अब इसके एज का क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स, एज का क्राइटेरिया ये है 18 वर्ष से 25 वर्ष के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, जिसका जन्म हुआ हो 1 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2004 के बीच में, 1 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, जिसका बर्थ डेट हो, वही वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल वाला। और रिलैक्सेशन क्या दिया गया है बीसी और ईबीसी के लिए, बीसी और ईबीसी के रिलेक्शन ये दिया गया है कि 18 वर्ष से 27 वर्ष के एज वाले भर सकते हैं। फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, बीसी और ईबीसी के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष के उम्र तक भर सकते हैं, वहीं पे एससी और एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष तक एज रखा गया है। और फीमेल में फ्रेंड्स बता दे जो बीसी और ईबीसी के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष तक, आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, जो भी फ्रेंड 12 पास हो वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 12 पास स्टूडेंट सभी 12 पास स्टूडेंट बिहार पुलिस के फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था कि भैया ये बताइए कि कौन कौन इस बिहार पुलिस फॉर्म को भर सकता है, क्या 10th क्लास किया हुआ स्टूडेंट भी भर सकता है, बिल्कुल नहीं, 10th जो किया हो वो बिल्कुल नहीं भर सकते हो, 12 पास जिसका हो वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो फ्रेंड्स। कैटेगरीज वाइज अगर वैकेंसी का डिटेल बताएं तो जनरल में टोटल कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है 8,556, जनरल में 8,556 है। उसके ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,140, मतलब 2,140 टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए है। बीसी की बात करें तो 2,570 बीसी में है। फिर उसके बाद ईबीसी की बात करें तो 3,842 ईबीसी में फ्रेंड्स। और बीसी अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए 655 सीट है फ्रेंड्स, और एससी एससी के लिए 3400 सीट और एसटी के लिए फ्रेंड्स 228 सीट है। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से, जनरल के लिए अगर पूछा जाए तो 8,556, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,140, बीसी के लिए 2,570, ईबीसी के लिए 3,842, बीसी फीमेल के लिए 655, एससी के लिए 3400 और एसटी के लिए अगर बोला जाए तो 228 पोस्ट है इसमें 228 पद हैं। फिर उसके बाद बात करें तो रिटेन सिलेबस में अगर कहा दें तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का रहेगा फ्रेंड्स, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी फ्रेंड, और इसमें बात करें तो दो घंटा का आपका समय दिया जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटा का समय आपको।
फ्रेंड्स बात करें तो इसमें कौन कौन चीज पूछा जाएगा, कौन कौन टॉपिक से पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आपका टॉपिक रहने वाला है जीके, उसके बाद सी है मतलब करेंट अफेयर रहने वाला है, फिर साइंस रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश रहने वाला है और मैथ रहने वाला है। फ्रेंड्स ये चार टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, चार टॉपिक में सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का रहने वाला है। साइंस से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑल ओवर जीके और करंट अफेयर से टोटल फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 40 जीके से और 5 करंट अफेयर से पूछा जाएगा और हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी से 7 क्वेश्चन के लमसम में पूछे जाएंगे और इंग्लिश से फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैथ भी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ बिहार पुलिस का कुछ बड़ा ज्यादा मैथ नहीं होता है, मतलब कुछ हार्ड करके नहीं मैथ पूछा जाता है, इजी वे में इसका मैथ्स रहता है फ्रेंड्स। इसीलिए धीरे धीरे 5-10 क्वेश्चन पर डे बनाने का कोशिश कीजिएगा बिहार पुलिस से रिलेटेड। फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं तो इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या कह रहा है, हाइट में जनरल के लिए 165, जनरल और बीसी के लिए 165 इसका हाइट होना चाहिए फ्रेंड्स, और ईबीसी एससी और एसटी के लिए हाइट अगर कहा जाए फ्रेंड्स 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हाइट इसमें पूछा जा रहा है जनरल के लिए और बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, उसी के बाद ईबीसी एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर से बताया गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फीमेल में हाइट की बात करते हैं तो 155 सेंटीमीटर जो फीमेल की हाइट होगी वही 155 सेंटीमीटर लिया जाएगा इसमें फ्रेंड्स। और आपको बता दें हाइट में कोई भी मार्क नहीं दिया जाता है, ना ही चेस्ट में कोई भी मार्क दिया जाता है। चेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स जनरल बीसी और ईबीसी इसके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, मतलब 81 पूरा सटका के फिर फुलाने के बाद इसमें सांस भरने के बाद 86 होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद एससी एसटी के लिए 79 से 84 मतलब 79 से 84 के बीच में रहना चाहिए एससी और एसटी के लिए। और इसमें फीमेल में चेस्ट कोई मायने नहीं रखता है, फीमेल के लिए चेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। रनिंग की बात करें तो रनिंग में 50 मार्क मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रहेगा और 6 मिनट में दौड़ना है, मतलब कह रहा है कि 1600 मीटर का दौड़ रहेगा, 6 मिनट में आपको दौड़ना है मेल। फिर उसके फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रहेगा और 5 मिनट में उसको दौड़ना है, ठीक फ्रेंड्स। फिर गोला की बात करें तो गोला में 25 मार्क मिलता है, गोला में 25 मार्क मिलता है और ये 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट फेंकना है, 16 पाउंड का गोला रहेगा और 16 फीट आपको फेंकना है फ्रेंड्स। और फीमेल के लिए बता दे तो 12 पाउंड का गोला रहेगा और 12 फीट फेंकना है। उसके बाद हाई जंप में फ्रेंड्स 25 मार्क मिलने वाला है, हाई जंप में कितना 25 मार्क, टोटल 25 मार्क मिलने वाला है, मतलब मेल के लिए 4 फीट हाई जंप है, फिर उसके बाद फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप। फ्रेंड्स आपको बता दे ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी हो गया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हाइट के लिए जनरल के लिए 165, जनरल और बीसी के लिए, ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। चेस्ट बात करें तो जनरल के लिए 81 से 86 और एससी एसटी के लिए 79 से 84। फिर उसके बाद बात करते हैं तो रनिंग में 50 मार्क मिलेगा फ्रेंड्स और गोला में 25 मार्क मिलेगा और हाई जंप में 25 मार्क मिलेगा। सीधी सी बात इतना समझ लीजिए कि फिजिकल एलिजिबिलिटी में टोटल आपका 100 मार्क का रहेगा, जिसमें रनिंग में 50 मार्क चल गया, गोला में 25 मार्क चल गया और हाई जंप में 25 मार्क चल गया। ध्यान से आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब नजदीक आती है तो जब मान लीजिए फिजिकल का टाइम नजदीक आता है फ्रेंड्स, उसके बाद स्टूडेंट लोग दौड़ना स्टार्ट करता है। आप दौड़िएगा तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, इसीलिए धीरे धीरे करके दौड़ना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ज्यादा चक्कर नहीं लगाना, एक ही चक्कर राउंड का लगाइएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतर सैलरी रहने वाली है आपकी फ्रेंड्स, 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,100 तक सैलरी आपकी जाएगी। इसीलिए आप लोग अभी से ही इस पर फोकस बना लीजिए, एक सीट आप अपना इस पर पक्का करवा लीजिए, समझ गए फ्रेंड्स। चलिए आई होप कि आप जितने भी बिहार पुलिस अभ्यर्थी हैं उसको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग सक्सेस हो इसमें और एक सीट अपना पक्का करें, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका एक सीट इसमें फिक्स हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।